यूपीएससी की परीक्षा पास करना भारत के लाखों छात्रों का सपना होता है और लोग अपने जीवन के कई साल इसकी तैयारी में लगाते हैं। ये एक कठिन परीक्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर किसी भी अन्य परीक्षा की तरह यदि इसकी तैयारी भी सही स्ट्रैटेजी के साथ की जाए तो इसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही टॉप 6 स्ट्रेटेजिक टिप्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS परीक्षा पास करने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। तो फर्स्ट पॉइंट है, हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है जरूरी। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, मगर हार्ड वर्क से ज्यादा महत्व स्मार्ट वर्क का होता है। तो पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। सबसे पहले तो यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। अपनी पढ़ाई करते वक्त भी सिलेबस को ध्यान रखते हुए ही नोट्स तैयार कीजिए। कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर में पूछे गए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देख लें। इससे आपको ये पता चलेगा कि उस चैप्टर से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अपने नोट्स खुद तैयार करें और अपने डाउट्स को भी नोट कर लें। तो कोशिश करें कि डाउट्स को पढ़ते वक्त ही क्लियर कर लिया जाए। अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को इतना पक्का कर लिया जाए कि उनसे पूछा हुआ कोई भी सवाल एग्जाम में छोड़ा नहीं जाए। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को ऑफ कोर्स नियमित रूप से पढ़ते रहें और उनसे नोट्स भी तैयार करते रहें। इससे आपको करंट अफेयर्स पर अलग से कम मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो हर व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन 24 घंटों का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे पहले कदम होता है रूटीन। तो रूटीन बनाकर कोशिश कीजिए कि आप उसे ईमानदारी से फॉलो करें। तो परीक्षा की तैयारी के लिए ये जरूरी है कि आप सबसे ज्यादा समय पढ़ाई को दें, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप बाकी एक्टिविटीज को दरकिनार कर दें। पढ़ाई को दिमाग में रिटेन करने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा समय अपनी हॉबीज, एक्सरसाइज और खेल कूद के लिए भी निकाल लें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जल्दी उठने से आपको दिन में ज्यादा टाइम मिलेगा और दिन के समय में की गई पढ़ाई ज्यादा लाभकारी होती है। हालांकि पढ़ाई का समय पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर ये ध्यान रखें कि एक स्टडी सेशन कम से कम 3 घंटे का हो। हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी की तरफ से एक नई कोर्स स्टार्ट की जा रही है, अनअकैडमी जेनेरिक बैचेस। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स, आपके लिए मैं लाया हूँ एक गुड न्यूज। अनअकैडमी लेके आया है UPSC CSE GS बैच। ये बैच हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। ये बैचेस 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में हैं। ये बैचेस से आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको मिलेगा कम्प्लीट GS सिलेबस, 500+ आवर्स के लाइव क्लासेस, फ्री PDF स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर शेड्यूल और डाउट क्लियरिंग सेशन फ्रॉम टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स की तरफ से। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, अभी अपना फोन उठाओ, अनअकैडमी के बैचेस में एनरोल करो। अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं तो अभी एनरोल करें अनअकैडमी के बैचेस में। बैचेस में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बैचेस में एनरोल करें। डाउनलोड करते ही देरी ना करें, तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा कोड PEYT10 को यूज करें। उससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से एनरोल करें इन बैचेस में और करें तैयारी जीत की अनअकैडमी के साथ। तीसरी बात ये कि एक किताब को बार बार पढ़ें। तो ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही शर्त यूपीएससी की परीक्षा में भी लागू होती है। इसके लिए एक सब्जेक्ट की 10 बुक्स पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। जब आप एक ही किताब को बार बार पढ़ेंगे तो हर बार आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। दोस्तों, हर किताब में ऑलमोस्ट एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है और अलग अलग किताब पढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि आपकी जानकारी बहुत ही बढ़ जाएगी। हाँ, कंफ्यूजन बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए आप NCERT की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT में ही कवर्ड होते हैं और NCERT की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी माना जाता है।
फोर्थ पॉइंट ये है कि बड़े गोल्स के साथ साथ छोटे छोटे गोल्स भी सेट करें। तो ऑफ कोर्स आपका अल्टीमेट एम तो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना ही है, मगर इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए। उदाहरण के लिए आप अपने जैसे हर दिन का एक गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे एक दिन में इतने चैप्टर्स पूरे करने हैं, और फिर उस गोल को पूरा करने की पूरी मेहनत के लिए कीजिए। आप अपने गोल्स को और भी छोटा करके इन्हें घंटों या स्टडी सेशंस में भी बांट सकते हैं। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन्हें अचीव करते रहने से आपको जो अल्टीमेट गोल है ऑफ कोर्स उसे पूरा करने की आप और बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जब आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप धीरे धीरे और बड़े गोल्स बनाने और अचीव करने में उन्हें सक्षम हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कि परीक्षा के चरणों के अनुसार अपनी तैयारी को बांटें। तो यूपीएससी की परीक्षा ऑफ कोर्स आपको पता ही है 3 चरणों में होती है, और तीनों ही चरण जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप परीक्षा की तैयारी को भी उसी अनुसार चरणों में बांटें। जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए मेंस का सिलेबस नोटिफिकेशन आने से पहले पूरा करने की कोशिश करें। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप सिर्फ मेंस के मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। परीक्षा के आखिरी के दिनों में कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से बचिए। तो सिक्स्थ पॉइंट यह है कि अपने आप को दुनिया से अलग करने के बजाय खुद को दुनिया से जोड़ें। तो यूपीएससी की तैयारी में मेहनत करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने आप को दुनिया से अलग कर लें और सारा सारा दिन किताबों में ही डूबे रहें, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा खासकर इंटरव्यू में इस बात का भी टेस्ट किया जाता है कि आप आसपास जो आपकी घटनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको आप कितनी तरह से अच्छी तरह से समझते हैं। तो लोगों से मिलिए, एक्सपर्ट से बातें करें, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ग्रुप जो होता है उसका हिस्सा बने, और अगर आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में फंसे हो तो कई बार लोगों से बात करने से भी आपको समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस है, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एक्सा। नमस्कार।